साइंस में कहते हैं डायरेक्टर प्रोफेसर लालानी, आर्ट्स में कहते हैं डॉक्टर अश्विना, और कॉमर्स में कहते थे प्रोफेसर सतीश पंत जी। मेरे सभी विद्वान साथियों और गैरों, आज अभी काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपकी धैर्य की परीक्षा है। कुछ लोग धैर्य से बैठे हुए हैं और कुछ निकल गए हैं। यहीं से आपकी परीक्षा और आपको जो हम लोग असेसमेंट हम आपका कर रहे हैं स्टार्ट हो चुका है। यहीं से आपकी धैर्य की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जिसमें आप ठीक ठाक चल रहे हैं। महाविद्यालय आपका स्वागत करता है, महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। आपके गुडविल, आपके अच्छाइयों के लिए, आपको फ्लॉरिश करने के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारी चीजें यहाँ पर महाविद्यालय आयोजित करता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप उन सब अच्छाइयों को लेने के लिए खुद को तैयार करेंगे। आप खुद तैयार होंगे तभी आप यहाँ की अच्छी चीजों को ले पाएंगे, अपने करियर में सफल हो पाएंगे। आप देखते होंगे बेरोजगारी की भीड़ में आपने शामिल नहीं होना है तो आपको कुछ लड़के भी करना पड़ेगा। जो लोग सफल हुए हैं वो कोई विशेष काम नहीं करते, वो विशेष तरीके से करते हैं, उनके काम करने का तरीका विशेष होता है। आप इसी तरीके से अपने आप को विशेष बनाएंगे और महाविद्यालय की समस्त जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो यहाँ अप्लाई आपको अपने लाइफ में करने हैं वो आप करेंगे। सबसे पहले तो ये है आप लोगों से, जैसे सभी प्राध्यापक आपको बता रहे थे कि आपने फालतू के जो ग्रुप्स हैं उनसे खुद को डिलीट कर लेना है, एग्जिट कर लेना है। आपके पास आपके सब्जेक्ट टीचर के ग्रुप्स हैं, आपने एनसीसी एनएसएस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, जो उसमें आपका पार्टिसिपेशन है उस ग्रुप में रहना है और उस ग्रुप में आए हुए मैसेजेस और जो भी सूचनाएं होती हैं उनको देखना है, पढ़ना है, समझना है और समय पर फॉलो करना है। मोस्टली देखा गया है कि आप लोग सूचनाएं देख लेते हैं फिर उसको केयरलेसली इधर उधर कर देते हैं, जिससे आप एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज से या बहुत बड़ी चीजें खो देते हैं। पिछले सालों बहुत सारे बच्चों के एग्जाम छूटे हैं, इंटरनल एग्जाम छूटे हैं, प्रैक्टिकल्स छूटे हैं, वो कारण क्या था? उनका केयरलेसनेस। आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको मस्तिष्क से गंभीर होना है और कोशिश करना है कि कोई भी सेमेस्टर में बैठ ना, हर सेमेस्टर उसी सेमेस्टर में क्लियर होता चले जाए और आपकी एनएलपी सार्थक हो जाए। आप एक कौशल लेकर बेरोजगार की सीमा में ना, भीड़ में ना खड़ा हो, जबकि अलग हटकर तुरंत आप रोजगार प्राप्त करें। और मेल ग्रुप जो है उनकी सूचनाएं देखिए, अपना मेल चेक करते रहिए। मेल में प्रायः या आपके ग्रुप में गूगल से लिंक भेजे जाते हैं, जैसे अभी एक इंडक्शन मीटिंग से रिलेटेड लिंक भेजा गया है उसे फिर करेंगे। कुछ समय में आपको फीडबैक फॉर्म में गूगल में लिंक भेजा जाता है उसे भी आप समय पर फिल करेंगे और अपनी मेल को लगातार चेक करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अटेंडेंस के प्रति आप बहुत सतर्क रहें। आपके सीनियर्स मेरी कह सकते हैं कि क्लास नहीं चल रही है, आप क्लास में जाके क्या करोगे, क्लास नहीं चल रही है। कई बार बच्चे हमसे कह देते हैं क्लास कहाँ चल रही है, क्यों, किसने कहा, कि सजन सर भैया ने कहा या दीदी ने बोला। ऐसा नहीं होता, आपकी क्लास हमेशा चलती है। कभी क्या होता है कि सिंगलमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं कहीं पर कोई मीटिंग में है, अर्जेंट मीटिंग में शासन की, प्रशासन की, महाविद्यालय की या किसी विशेष कार्य से नहीं होते हैं तो भी आप विभाग में जाकर संबंधित प्राध्यापक जो भी आपको सही सूचना देगा। बाहरी बाहर सूचना लेकर आप किसी भी चीज से अर्जेंट नहीं करेंगे। अगला है कि जितने भी नोटिसेस हैं और उन नोटिसेस को फॉलो करना है, जो भी पूछा गया है, जो भी मांगा गया है वो टाइम पर देंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
आप सभी के पास फोन है ना, सिलेबस वगैरह जो लेंथी पार्ट होता है वो भेज दिया जाता है, जिसे आपने खुद से स्टडी करना होता है। तो आप अपने फोन की टीवी में कई बार कुछ सेलिब्रिटीज की या हीरो हीरोइंस की इनके बच्चे लगा देते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आ पाता कि ये बच्चा कौन है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी टीवी सेट की हो आपके फोन पे। इसके अलावा अपने जो टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे बच्चों से पूछते हैं हम लोग आपका क्या सब्जेक्ट है, जी मेरा मैम ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में कितने पेपर होते हैं वो या तो बच्चे चुप हो जाते हैं या बताएंगे फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर क्या होता है वो नहीं पता, उसका नाम कौन पढ़ाता है ये नाम नहीं पता, सब्जेक्ट टीचर का नाम नहीं पता, प्रिंसिपल का नाम नहीं पता। तो जब आप लोग अपने आसपास से ही नहीं जागरूक हैं तो कोई आपसे क्या उम्मीद करेगा। अपने आंख कान दिमाग जागृत अवस्था में रखिए उसे, और दिल को घर में छोड़ के आइए, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप मस्तिष्क से गंभीर रहें, हृदय से भी गंभीर रहें। इसके अलावा कॉलेज में NSS, NCC, रोवर रेंजर्स ये सारे सेल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें आपने अपने आप को नवीन करना है और उसका भरपूर लाभ उठाना है। इसके अलावा कॉलेज में एंटी ड्रग्स है, एंटी रेडिंग्स है, और अगर कोई हैरेसमेंट का होता है उससे रिलेटेड सेल, IC सेल और शिकायत पेटियां वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। अगर संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जिस जिस से कहने से बेहतर ये है कि आप उसे क्या करेंगे, रिलेटेड कमेटी के पास जाएंगे या शिकायत पट्टी का मैं डाल दीजिए। अगर गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो गर्ल्स छात्रा शिकायत पेटी का मैं डाल सकती है, अगर वो दूसरे में भी डाल सकती है, लेकिन अगर हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो छात्रा शिकायत पेटी का मैं डाल दी जाएगी। और यह निश्चित रहेंगे कि इसमें आपका नाम गोपनीय रखा जाता है, आपको इसमें अपने आपके नाम को नहीं बाहर लिया जाता है। और एंटी और हमारे कॉलेज में एक क्लब है ICU क्लब, वो उसमें जो सदस्य हैं वो छात्र सदस्य के समस्त सदस्य प्लस महाविद्यालय में जो सब्जेक्ट वाइज आपकी परिषद चुनी जाती है उसमें चुने हुए सदस्य होते हैं, वो सभी इस क्लब के सदस्य होते हैं। जो महाविद्यालय परिषद होते हैं आपके फैकल्टी द्वारा जाती है, साथ ही विशेष विशेषज्ञ भी आपको बुलाए जाते हैं जो आपको विभिन्न जॉब्स के लिए कोचिंग देते हैं, तो आप सबका भी लाभ उठाएं। और जैसे कि मैंने कहा था कि मस्तिष्क से रखते हैं तो गंभीर रहेंगे तो आप यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था है तो आप पता कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी स्कॉलरशिप है, आप अकॉर्डिंगली टीचर्स से जाकर आप राखी मैडम से पूछ सकते हैं, डॉक्टर राखी मैडम से पूछ सकते हैं, चीफ डॉक्टर डीन से पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा। ठीक है, इसके लिए भी आपने इसका उपयोग करना है। साथ में आपके जो जिम्मेदारी है कॉलेज के प्रति उसे आप निभाएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, अटेंडेंस के लिए प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे, 75% थ्योरी और 90% प्रैक्टिकल। और मोस्टली पिछले सालों क्या हुआ है, कुछ बच्चों ने थ्योरी के इंटरनल पेपर दिए और प्रैक्टिकल नहीं दिए, तो ये मान के चलिए अगर आपका मेन एग्जाम छूट जाता है वो आप बैक दे देंगे, बट इंटरनल प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम मुश्किल होता है। तो इसके लिए फिर आपका पूरे कई कई साल बर्बाद हो जा रहे हैं, 2015 का छात्र अभी तक भटक रहे हैं कुछ, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आपको जागरूक किया जा रहा है। और महाविद्यालय परिवार आपके हित के लिए खड़ा है, देना चाहते हैं आपको, बट संवेदनशील और आपने ही उसको लेने के लिए आपने उत्साह होना चाहिए। हम आपको घर में आके नहीं बताएंगे, जो भी सूचनाएं होंगी महाविद्यालय में होंगी, आपके ग्रुप में होंगी, और जो गलत ग्रुप
उनको डिलीट कर दीजिए। और अभी आज सूचना आई है कि कुछ गर्ल्स के साथ गलत चैट हो रहा है, गलत नंबर से किसी तरीके से फोन हो रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप एकदम नंबर को ब्लॉक करके उसकी सूचना, अगर वो महाविद्यालय से रिलेटेड है तो आप सेल में दे दें, और अगर महाविद्यालय से रिलेटेड नहीं है तो आप उसके प्रति जागरूक। महाविद्यालय परिसर में क्या हो रहा है उसकी तो चिंता में है, बट महाविद्यालय परिवार बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जिम्मेवार नहीं है, और आप लोग स्वयं उस चीज का ध्यान रखिए। और महाविद्यालय परिवार आपकी है, आपके लिए काम कर रहा है, जरूरत है तो आपको उन सारी सुविधाओं को प्राप्त करने की और अपना एक अच्छा और उज्जवल भविष्य बनाने की, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं, और उन उम्मीदों को कंटिन्यू कीजिए, उन उम्मीदों के रास्ते पर चले। ये नहीं कि एक देखा चल वो खड़े थे क्लास कर लेंगे, कभी तो वही पढ़ाना है, मतलब आज को तो पढ़ाना है, तो ये नहीं, आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो पहले सोचिए कि मेरे लिए ये कह रहा है लोगों को खाने भूख भी लगती है, और दूसरा क्लास हो रही है वो भी जरूरी है, तो खुद डिसाइड कीजिए क्या जरूरी है, खुद से डिसाइड कीजिए। कोई भी बात कहीं भी दुविधा होती है तो खुद डिसाइड कीजिए मेरे लिए क्या जरूरी है, और अपना डिसीजन खुद लीजिए, पड़ोसी नहीं लेगा आपका डिसीजन, आपके भविष्य का, आपके हर पल का डिसीजन खुद लीजिए, और आपका व्यवहार जो है वो आपके संस्कारों का प्रतिबिंब है, अपने संस्कारों को यहाँ पर अच्छे से रिफ्लेक्ट कीजिए, और इन सारी बहुत सारी आशाओं के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ महाविद्यालय परिवार आपका स्वागत कर रहा है, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब करते हैं। एक यशस्वी, तेजस्वी और सौभाग्यशाली जीवन आप लोग जिए, यही उम्मीद हमारी भी है। जय।